हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्टेक इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑयल कंटेंट ऑफ डिग्रीजिंग बाथ, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीजिंग बाथ का ऑयल कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको स्टेप बाय स्टेप करके डिग्रीजिंग बाथ का ऑयल कंटेंट निकालने के लिए मैं बताऊँगा, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से और आसान तरीके में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिग्रीजिंग बाथ का जो ऑयल कंटेंट निकालते हैं उसके लिए हमें किस किस ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है और किस रिएजेंट्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए हॉट प्लेट, वेइंग मशीन, पीपेट, सेपरेटिंग फनल एंड पेट्री डिश। और रिएजेंट्स में हम यहाँ पे यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले हमें डिग्रीजिंग सैंपल को लेना होगा 25 ml, यानी कि हमें पीपेट के हेल्प से 25 ml डिग्रीजिंग सैंपल लेना होगा सेपरेटिंग फनल में। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें 25 से लेके 30 ml तक सेपरेटिंग फनल में हमें क्या करना होगा, मिक्स करना होगा। देन हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल को प्रॉपर तरीके से एजिटेट कर लेंगे, जिससे जो हमारा डिग्रीजिंग बाथ का जो सैंपल है, जो हमने सैंपल लिया हुआ है सेपरेटिंग फनल में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम जब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो डिग्रीजिंग बाथ में जो भी ऑयल कंटेंट होगा वो अपने साथ क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने साथ एक बॉन्डिंग बना लेता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि पेट्री डिश का वेट करना होगा, यानी कि जो एम्प्टी पेट्री डिश होगी उसको हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे और उसको एज ए W1 हम उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और ये हमें इंश्योर करना होगा यहाँ पे कि जो हमारा पेट्री डिश है वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, जिससे हमारी रीडिंग एक्चुअल आए। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमने सेपरेटिंग फनल में क्या किया है, जो हमने एजिटेट किया हुआ था, वो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमें नीचे वाली जो लेयर होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेपरेटिंग फनल में जो नीचे वाली लेयर है, यहाँ पे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के वजह से जो ऑयल कंटेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। नॉर्मली अगर हमने इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं डाला होता तो ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है, जिससे ये वाटर के ऊपर में रहता। लेकिन यहाँ पे हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया है तो इसके वजह से क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या है, ज्यादा है, जिसके वजह से ये नीचे की तरफ होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से हम इसको ड्रॉप ड्रॉप करके हम इसको पेट्री डिश में कलेक्ट कर लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स करेंगे, एजिटेट करेंगे और कुछ समय बाद फिर से जो नीचे की तरफ में जो सेपरेट हुआ रहेगा उसको हम पेट्री डिश में कलेक्ट कर लेंगे। 3 times हमें करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे का नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, इसके बाद हमें क्या करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हॉट प्लेट पे हम 80°C पे 20-30 minutes के लिए रख देंगे पेट्री डिश को, तो ड्राई होने के बाद से हम इसका चेक करेंगे फाइनल वेट, जिसको हम एज ए W2 नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद से हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारा ऑयल कंटेंट जो होगा उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा W2-W1 सैंपल वैल्यू। अगर हमें इसको इन ppm में कन्वर्ट करना है, यानी पार्ट्स पर मिलियन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें 10^6 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा ऑयल कंटेंट ppm में निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह ऑयल कंटेंट से जुड़ी जानकारी आपको अभी को कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस बेहतरीन जानकारी को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।